हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडिस क्लासरूम में। आई होप कि आप सब लोग अपने घर में सेफ और फिट होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेके। सो इस बार किसके तरफ से आया है? इस बार आया है महाराष्ट्र वन विभाग के तरफ से, यानी महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से आया है नया रिक्रूटमेंट। तो ओवर 2000 प्लस पोस्ट है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोस्ट कितना है वो आगे वीडियो में आपको मालूम चलेगा। और बहुत सारा पोस्ट निकला है, जैसे सर्वेयर, अकाउंटेंट, फॉरेस्ट गार्ड का तो है और बहुत सारा है, तो वो भी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और सारा इन्फॉर्मेशन जो है, इंपॉर्टेंट जो लिंक्स है, अप्लाई लिंक, पीडीएफ नोटिफिकेशन, तो सब कुछ आगे आपको वीडियो में मिलेगा। तो आप आगे वीडियो देखिए और सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि इस चैनल में मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से जहाँ से भी नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोग के लिए सबसे फर्स्ट लेके आने की कोशिश करता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। वेलकम टू द कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं इंडियाज़ नंबर वन जॉब प्रिपरेशन वेबसाइट अड्डा 247 से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ अबाउट वन विभाग भर्ती 2023। तो वन विभाग की तरफ से आया है नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट फॉर 2417 वन रक्षक एंड अदर वैकेंसीज, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे हम लोग को एग्जैक्ट नंबर दिख गया है कितना वैकेंसीज निकला है। मैंने 2000 प्लस बोला था, तो यहाँ पे है 2417 वैकेंसीज, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ अनाउंस्ड वन विभाग भर्ती 2023 नोटिफिकेशन फॉर 2417 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ वन रक्षक। यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया गया है, देखिए दोस्तों, वन रक्षक, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, अकाउंटेंट, सर्वेयर एंड सीनियर स्टेटिस्टिक असिस्टेंट इन वेरियस कैडर्स ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है दोस्तों? तो ये है पोस्ट का नाम, क्या क्या पोस्ट निकला है वो दिया गया है। द वन विभाग भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म इज अवेलेबल फ्रॉम 10 जून 2023। तो 10 जून को आपका अप्लाई डेट खुल गया है, मतलब खुल गया था, तो अभी अवेलेबल है। तो लास्ट डेट कब है वो आप लोग को देखने मिलेगा आगे वीडियो में। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट एज पर देयर एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी कैसे आप एलिजिबल होंगे वो भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए वन विभाग भर्ती नोटिफिकेशन पीडीएफ। तो अभी उनके तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला था वन विभाग के तरफ से, तो उसका ऑफिशियल पीडीएफ यहाँ पे है। देखिए इंडिविजुअल पोस्ट के लिए अलग अलग पीडीएफ दिया गया है, अकाउंटेंट, फॉरेस्ट गार्ड, सर्वेयर, स्टेनोग्राफर, स्टेटिस्टिक असिस्टेंट, जूनियर, तो सबका यहाँ पे पीडीएफ अलग अलग है। तो ये सारा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। एग्जांपल के तौर पर पहला लिंक पे मैं क्लिक करूँगा अभी। तो ये देखिए दोस्तों, जो पहला लिंक है वो अकाउंटेंट का था, तो ये अकाउंटेंट वाला पीडीएफ यहाँ पे खुल गया है। तो ये देखिए आ गया है, प्रधान मुख्य वन रक्षक वन बल प्रमुख महाराष्ट्र राज्य नागपुर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है सब कुछ। तो मैं जो पोस्ट आपको नोटिफिकेशन बता रहा हूँ वो इंग्लिश में लिखा गया है। अगर आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप लोग पीडीएफ नोटिफिकेशन के थ्रू भी जाके सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे डिटेल बाय डिटेल सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे भी एक बार विजिट करके देखिएगा, क्योंकि सारा डिटेल आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये था अकाउंटेंट का। तो उसी तरीके से यहाँ पे बाकी सब का भी अलग अलग पीडीएफ है, फॉरेस्ट गार्ड का, सर्वेयर का। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड पीडीएफ दिया गया है। तो इन सब का लिंक एकदम सेम टू सेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओवरव्यू, एग्ज़ाम नेम, तो आपका जो एग्ज़ाम का नाम होगा वो होगा वन विभाग भर्ती 2023। अथॉरिटी है महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। पोस्ट नेम यहाँ पे फिर से आपका पोस्ट का नाम लिखा गया है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था ये सब पोस्ट निकला है। तो आप लोग देख लीजिए सारा इन्फॉर्मेशन। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब के अंदर आता है। और वन विभाग भर्ती नोटिफिकेशन वो रिलीज़ हो चुका है, इसलिए रिलीज़ लिखा गया है। अभी वन विभाग भर्ती वैकेंसी, तो वो यहाँ पे पोस्ट टोटल पोस्ट है 2417। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, वहाँ पे क्वालिफाई होते हैं तो पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके लास्ट में आपका स्किल टेस्ट होगा, आपका टाइपिंग स्पीड या फिर वो सब देखा जाएगा स्किल में, ठीक है दोस्तों? तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस। सो नेक्स्ट है ऑनलाइन अप्लीकेशन, वो कब स्टार्ट हुआ था? जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था 10 जून को हुआ था, 10 जून 2023 में खुल गया था।
और एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स। यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है लेकिन पोस्ट वाइज अलग अलग एज लिमिट है, तो वो आपको आगे मैं बताऊँगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी डायरेक्ट 12 पास दिया गया है, तो वो आगे पोस्ट वाइज सब कुछ अलग अलग एज लिमिट और क्वालिफिकेशन है, तो वो आगे देखते रहिए। यहाँ पे ऐसे दे दिया गया है। वन विभाग ऑफिशियल वेबसाइट, तो उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये देखिए www.mahaforest.gov.in। तो ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनके वेबसाइट में विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है इम्पोर्टेंट डेट, तो ये देखिए ये भी मैंने आपको बता दिया था। लास्ट डेट टू अप्लाई ये देखिए 30 June 2023, तो 30 जून तक आपका लास्ट डेट है। बाकी एग्जाम डेट और स्किल टेस्ट का अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, इसलिए टू बी रिलीज दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है पोस्ट वाइज वैकेंसी। सबसे पहले है स्टेनोग्राफर हाई ग्रेड का 13 वैकेंसीज, स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड का 23, जूनियर इंजीनियर सिविल का है 8 और स्टैटिस्टिक असिस्टेंट का है 5, जूनियर स्टैटिस्टिक असिस्टेंट का है 15, सर्वेयर का है 6, अकाउंटेंट का है 129 और सबसे ज़्यादा जो है वो है फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक का 2138। ठीक है दोस्तों, तो टोटल आपका बनता है 2417 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया है अभी सब कुछ टोटल यहाँ पे मिला के दे दिया गया है। इंडिविजुअल पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज है, तो आप लोग देख लीजिए आपका जो जिसमें मन है आपका उसमें कितना वैकेंसीज है और उसके हिसाब से अप्लाई कर दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म लिंक यहाँ पे दे दिया गया है, क्योंकि लिंक अभी खुल गया है, 10 तारीख को ही खुल गया था, तो लिंक यहाँ पे है, इसको मैं अभी एक्टिव दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अभी, देखिएगा आप लोग। तो ये वाला लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आपका खुल गया है ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप लोग एक्सट्रीम राइट साइड में देख सकते हैं रजिस्टर लिखा गया है, लॉगिन भी है, तो आप लोग वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं या फिर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया है वन रक्षक में तो आप लोग रजिस्टर करना पड़ेगा, अगर किया है तो लॉगिन कर देने से आपका आईडी पासवर्ड डाल के आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला वेबसाइट तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको एक्स्ट्रा से जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है और बैकवर्ड कैटेगरी के लिए 900। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है, जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता इसलिए उनका 1000 और बाकी सारे कास्ट का 900 आपका एप्लीकेशन फ़ीस है। ठीक है दोस्तों, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी हम जानेंगे। एज लिमिट ये देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्ट एज लिमिट जानने को मिलेगा। फॉर फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 18 to 27 ईयर्स और बैकवर्ड कैटेगरी के लिए 18 to 32 ईयर्स ऑफ एज है। ठीक है दोस्तों, एंड फॉर अदर पोस्ट और बाकी सारे पोस्ट के लिए, ये ऊपर का फॉरेस्ट गार्ड वाला था, और बाकी सब के लिए जनरल 18 to 40 ईयर्स और बैकवर्ड प्लस 18 to 45 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये है एज लिमिट। ऊपर जो आपने पहले ओवरव्यू में देखा था वो वाला एज लिमिट मतलब सही नहीं है, ये यहाँ पे जो दिया गया है वो ठीक है। अभी जानते हैं क्वालिफिकेशन, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन। स्टेनोग्राफर हाई एंड लोअर ग्रेड के लिए क्या क्या चाहिए, पास सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, 12 पास आपका होना पड़ेगा। सेकेंड, शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ एटलीस्ट 120 वर्ड्स पर मिनट, तो 120 वर्ड पर मिनट आपका होना पड़ेगा शॉर्ट हैंड स्पीड। फिर है इंग्लिश टाइपिंग स्पीड, नेक्स्ट नंबर 3 वाला, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड ऑफ मिनिमम 40 वर्ड पर मिनट और मराठी टाइपिंग स्पीड ऑफ मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट। गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ दिस क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, तो आपके सर्टिफिकेट के साथ आपका चाहिए टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में और मराठी में, इंग्लिश में 40 मराठी में 30 वर्ड्स पर मिनट, और आपका नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो लोकल लैंग्वेज है महाराष्ट्र का तो मराठी आपको आना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है जूनियर इंजीनियर सिविल का, कैंडिडेट मस्ट पोजेस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट और एनी अदर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, तो सिविल इंजीनियरिंग 3 इयर्स का डिग्री आपके पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट उसके जैसा ही। नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर भी आपको लोकल लैंग्वेज चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर स्टैटिस्टिक्स असिस्टेंट का, तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट शुड पोजेस मास्टर्स डिग्री इन मैथ्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स एग्रीकल्चर एंड स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मस्ट पोजेस एटलीस्ट सेकेंड क्लास डिग्री इन सेम सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, मैथ्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स एग्रीकल्चर और स्टैटिस्टिक्स
फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, हाँ, और आपका मराठी लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे भी, मतलब सब में आपका लोकल लैंग्वेज तो चाहिए, ये कंपलसरी है। फिर है जूनियर स्टेटिस्टिक्स असिस्टेंट का, कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए डिग्री इन मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और स्टेट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड नॉलेज ऑफ फिर से लोकल लैंग्वेज। सर्वेयर का है, कैंडिडेट शुड है पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, मतलब 12 पास होना पड़ेगा, प्लस शुड होल्ड ए सर्वेयर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो सर्वेयर ट्रेनिंग कोर्स भी, मतलब सर्टिफिकेट भी चाहिए आपका, प्लस लोकल लैंग्वेज का नॉलेज। ठीक है दोस्तों, फिर आता है अब फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक का, तो उसमें क्या क्या चाहिए। कैंडिडेट मस्ट है पास हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब 12th विथ एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आइडर साइंस और मैथ्स और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो 12th में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना ही पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे मैथ्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस इनमें से। नेक्स्ट है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब ST, कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई इफ दे हैव पास्ड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10th। तो 10th अगर पास किया है वो भी एलिजिबल होंगे ST वाले। और कैंडिडेट हु आर एक्स सर्विसमैन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई इफ दे हैव पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10th। तो एक्स सर्विसमैन वाले भी क्लास 10 अगर उन्होंने क्वालिफाई किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट हु इज़ ए चाइल्ड ऑफ फॉरेस्ट खबारे एंड फॉरेस्ट पर्सनल, ठीक है, जो पहले ही एक मतलब सर्विस कर चुके हैं, हु इज़ ए चाइल्ड ऑफ फॉरेस्ट खबारे एंड फॉरेस्ट पर्सनल, तो वो लोग भी अगर क्लास 10 उन्होंने क्वालिफाई किया है तो वो लोग एलिजिबल होंगे वन रक्षक के लिए। ठीक है दोस्तों, लास्ट में है आपका, सॉरी ये क्या है गया, हाँ लास्ट में है आपका अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट के लिए क्या क्या चाहिए देखिए, द कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो कोई भी डिग्री होगा यहाँ पे अकाउंटेंट से डिग्री होनी चाहिए आपका, और नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी आपका लोकल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वन विभाग सिलेक्शन प्रोसेस। तो अभी आपका किन किन प्रोसेस से आपका गुजरना पड़ेगा, सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर वन रक्षक एंड फॉरेस्ट पोस्ट ओनली। ठीक है, तो वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के लिए ही आपका सिर्फ फिजिकल होगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद टाइपिंग स्पीड वगैरह, और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिया होगा या फिर सर्टिफिकेट्स का मेंशन यहाँ पे जो पूछा होगा, उन सब का सर्टिफिकेट आपको बाद में डॉक्यूमेंट में वेरीफाई करेंगे, तो सब ठीक होगा तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वन विभाग की तरफ से। तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, तो सब कुछ अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, PDF लिंक, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे सारा इन्फॉर्मेशन जानने के बाद, तो आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही था। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप PDF नोटिफिकेशन के थ्रू जा सकते हैं, फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यही था, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।